नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ, आपका सक्सेस पार्टनर। आज बात करेंगे उन 10 गलतियों के बारे में। कल बात करी थी हमने 17 ऐसे पॉइंट जो हर नेटवर्कर को, हर डायरेक्ट सेलर को यूज करने चाहिए, हर बिजनेसमैन को यूज करने चाहिए अगर उसे बड़ा बिजनेस करना है। उसके बाद में जब वो बिजनेस करने लगता है तो कुछ गलतियां तो होती है, इंसान गलतियों का पुत्र है। तो उन 17 काम करते हुए भी कुछ ऐसी 10 गलतियां होती हैं जो वास्तव में आपके अलावा शायद किसी को नहीं पता चलेंगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, शायद आपके अलावा वो गलतियां किसी को भी नहीं पता चलती हैं। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में गलतियां इंटरनल होती हैं। एक दो गलतियां तो ऐसी हैं जो एक्सटर्नल होती हैं, लेकिन बाकी की सारी गलतियां इंटरनल होती हैं। राइट, अंदर हम गलतियां करते हैं, अंदर की तरफ हमारे साथ में हमारे ब्रेन के अंदर वो गलतियां होती हैं। तो जल्दी से सीखते हैं 10 ऐसे रीजन जिसकी वजह से हम नाकामयाब हो जाते हैं बिजनेस के अंदर। तो उसको शुरू करने से पहले ट्रेनिंग बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, 10 ही पॉइंट है, जल्दी रिकवर करेंगे, जल्दी कवर कर देंगे और जो है इसको हम फटाफट समझते हैं। उससे पहले अपने ब्रेन को देखिए, होली त्योहार है, फैमिली में हो, किसी ने खाना नहीं खाया होगा, कोई बाहर से आया होगा, किसी को सीनियर ने जबरदस्ती ट्रेनिंग में बैठाया होगा। तो मेरे दोस्तों, अब जब आप आ ही गए हो आपके करियर के लिए, आप यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, सीखना जिसने शुरू किया है, मुझे लगता है कि उसे यहाँ बने रहना चाहिए और अब अपने आप को सीखने के लिए तैयार करना चाहिए, लर्निंग मोड में ले आना चाहिए और मुझे परमिशन देनी चाहिए कि मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं आपको। तो पहली गलती क्या है? सबसे पहली गलती होती ही ये इससे है इंसान से। जब हम बिजनेस में आते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं, हमें लगता है हमें बहुत बढ़िया अलादीन का चिराग लग गया है, जब ये बिजनेस मेरे लिए काम कर सकता है, ये सबके लिए काम करेगा, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो, घर में हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, जब सबके लिए बिजनेस है तो मैं तो सबको बताऊंगा। तो वो बताने के मोड में आ जाता है, वो सुनने के मोड से गायब हो जाता है, वो सुनता नहीं है और वो लिसनिंग मोड से बाहर निकल जाता है, मुस्कुराता रहता है, कहता मुझे अलादीन का चिराग मिल गया। और वो कोई भी आदमी अपनी तकलीफ बताता है, दिक्कत बताने की कोशिश करता है, अपनी परेशानी बताने की कोशिश करता है, वहां उसकी बात नहीं सुनी जाती है। वो ये कहता है तू बक बक कर ले, ठीक है मैं तेरी बात बात में जो है तू बोल लेगा, तो मुझे प्लान बताना है, मैं तो आज तुझे प्लान बताने आया हूं। तो वो क्या करता है, वो प्लान बताने में लग जाता है, ठीक है, वो समझने की कोशिश नहीं करता है सामने वाले की लाइफ में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या उसकी फैमिली में प्रॉब्लम है। FORM कल बताया था ना 17 पॉइंट में, फैमिली में प्रॉब्लम है, क्या उसके काम में प्रॉब्लम है, क्या उसके रिक्रिएटिव माइंड में प्रॉब्लम है, वो कुछ करना ही नहीं चाहता, या तो उसकी प्रॉपर्टी उसकी बिक गई है, उसके पास पैसा आ गया, या वो साधु बन गया है, अब वो कुछ करना नहीं चाहता किसी भी मैटर की वजह से। राइट, और अब वो मनी कमाना नहीं चाहता है, या हार मान चुका, अपनी डेस्टिनी को स्वीकार कर चुका है, और हमें लगता है कि वो जो है हमारी बात सुने समझे। हम उसकी बात पहले समझनी होगी, हमें एक डॉक्टर के रूप में पहले बैठ करके उसके मानसिक सिचुएशन को, उसकी फैमिली में उसकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को देखते हुए उसे सजेशन, एक मित्र के रूप में उसे सजेशन देना है, तो पहले डॉक्टर की तरह हमें उसकी बीमारी पकड़नी होगी। हर अरे गहरे ने तो यह बाबा का काम नहीं है, महाराज का काम नहीं है, है ना, जो आया उसको आशीर्वाद दे दिया और सब ठीक हो जाएंगे, कोई ठीक नहीं हो रहा है ना, लॉफ एवरेज काम कर रही है। तो यहाँ पे हमें पहले उसकी समस्या को जानना है और उसके बाद में हमें उसका इलाज देना है। तो नॉट लिसनिंग टू द, सबसे बड़ी गलती हो जाती है इस बिजनेस में आते हैं, हम लोगों को सुनना बंद कर देते हैं और सुनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो तो आपका सुनाने का बाद का काम है, पहले सुनने का काम है, पेशेंस रखना होगा आपको, सुनने की कोशिश, सीखने की कोशिश करनी होगी सामने वाले से कि भाई इसको प्रॉब्लम क्या है, इसके कौन से वीक पॉइंट हो सकते हैं जहां उसको हम सपोर्ट दे सकते हैं, है ना। तो ये आपका, अगर आप पहली गलती करते हो, मोटिवेटेड रहते हो कि तू कह ले कुछ भी, मैंने तो प्लान देना है, मेरे तो प्रोडक्ट बेचने हैं, तो फिर इसका मतलब आप फंस जाओगे। क्या करना है इसे बचने के लिए कि हम ये समझ पाए कि हम कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे कि हम उसकी सुन नहीं रहे, तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मेट अपना लेना। सबसे पहला है शो इंटरेस्ट, जब सामने वाला बोले तो अपने ब्रेन को जीरोलाइज कर दो। जैसे मैं भी आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो आपने मुझे सुनना, आपके दिमाग में जो पिक्चर बन रही है
जो भी है, मोटिवेटेड हो, डिमोटिवेटेड हो, कुछ और ख्याली पुलाव पक रहे हैं, उनको जीरो लाइज करके इंटरेस्ट दिखाओ। इंटरेस्ट कैसे दिखाओ कि जरा फटाफट रेज हैंड करके दिखाओ, क्या मेरी बात आप सुन रहे हो, चैट में जरा लिख करके बताओ क्या आप मेरी बात सुन रहे हो, कितने लोग सुन रहे हैं, जरा रेज हैंड कर दो। वाओ ग्रेट, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त, ग्रेट। तो इसका मतलब आपने उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अच्छा भाई आंखें बड़ी कर लेनी है, उसकी तरफ ध्यान देना है, उसको उसको सुनने की कोशिश करनी है, और लिसनिंग फॉर फीलिंग, फीलिंग को सुनने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करना। आज होली थी, अगर होली में मान लो मैं दोस्तों के साथ कहीं बाहर चला जाऊं, तो मैं कह रहा हूं, जैसे सपोज करो बीवी को कि मैं बाहर जा रहा हूं, बीवी कहेगी हाँ हाँ जाओ, क्यों नहीं जाओगे। अब देखो बोल कुछ रही है, फीलिंग कुछ और है, समझ रहे हो। तो कई दफा सामने वाला बोल कुछ और रहा था है, उसका शब्द कुछ और होता है, उसकी फीलिंग उन शब्दों के पीछे कुछ और होती है। तो हमें पकड़ना है कि उसकी फीलिंग क्या है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, वो क्या फील कर रहा है, क्या वो पहले कहीं मार खा चुका है, कहीं ठोकर खा चुका है, कहीं महंगे प्रोडक्ट की वजह से लुट चुका है, कहीं डिफिकल्ट बिजनेस प्लान की वजह से लुट चुका है, उसके दिल में क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, उसे सुनना है। और उसे जब वो कह रहा है यार तेरा अगर ऐसा भी हो सकता है, अबे बकवास होते हैं सारे, तो उसको इनकरेज करो, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, इसका मतलब तुझे नॉलेज है यार, प्लीज बता मुझे कैसे क्या मामला है, और उसको इनकरेज करो। नॉन वर्बल बिहेवियर, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब एग्रेशन में है, या ऐसे बैठा है, प्लान दे रहे हो आप, वो ऐसे बैठा है नॉन वर्बल, तो उसकी नॉन वर्बल बिहेवियर को समझना है कि वो क्या कर रहा है, अवॉइड करना। दिमाग में पिक्चर बनेगी, दिमाग में अभी भी आपके दिमाग में कोई ना कोई क्लाइंट जरूर आया होगा, तो ये जो पिक्चर बनती रहती है इसे अवॉइड करके आपने क्या करना है, प्रीजज नहीं करना है। ओहो हो, प्रीजज कर जाते हैं, अरे मुझे पता है सर मेरा पड़ोसी मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेगा। बॉस किसी को भी बिना प्लान दिए, बिना उससे बात किए, आज उसकी सिचुएशन क्या है, पहले क्या था पता नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसकी जिंदगी में परिवर्तन, हर आदमी की जिंदगी में 100 दिन में एक बार परिवर्तन होता है, तो जरा ये चेक कर लेना कि उसकी जिंदगी में कोई परिवर्तन क्या हो सकता है, हुआ कि नहीं। तो वो आप उसे ज्वाइन कराने के मैटर से मत जाओ, उसको माल बेचने के मैटर से मत जाओ, पहले एज ए कंसल्टेंट जाओ और जानने की कोशिश करो कि आप उसे प्रोडक्ट दे सकते हो, कंज्यूमर बना सकते हो, या उसको पार्टनर बना सकते हो। एक बहुत अच्छा सवाल लोग पूछ सकते हैं कि भाई आप सेविंग करना ज्यादा पसंद करोगे या ज्यादा कमाना ज्यादा पसंद करोगे, इससे उसकी मेंटेलिटी समझ में आ जाएगी कि वो कंज्यूमर मेंटेलिटी का है या बिजनेसमैन मेंटेलिटी का है। तो आपने क्या करना है उसके बाद में, जब वो सवाल, तो क्लोज एंडेड, क्या भाई साहब इसका क्या मतलब है, अच्छा अगर ऐसा हो गया तो कैसे होगा, यानी छोटे सवाल पूछने हैं, उसको बोलने दीजिए, क्लैरिटी लीजिए, और उसके बाद भाई साहब मैं ये समझ में आया है आपसे जो बात हुई है उसकी से मैं ये समझ पाया हूँ क्या मैं सही हूँ, जब वो कहता हाँ बिल्कुल सही हो, तब आप अपनी बात रखो, तब आप उसका निचोड़ निकालो बिना बात करें। तो एक्टिव लिसनिंग पे आइए, एक्टिव लिसनिंग पे आइए, हियरिंग पे मत जाइए, बस सुना सुना इधर उधर कान से निकाल दिए ना, समझने की कोशिश करना। आगे चलेंगे, अगली गलती है, जैसे ही हम जब ये बता रहे हैं कि भैया आपको अब ट्रेनिंग लेनी है, आपको सुनने की प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है एज ए कंसल्टेंट के रूप में, पहले हम नौकर थे, नौकर मेंटलिटी के लोग थे, हम जो स्कूल में पढ़े वो नौकर बनने के लिए पढ़े थे, बिजनेसमैन को सीखना पड़ता है, लोगों से बात करना सीखना पड़ता है, सिचुएशन को हैंडल करना सीखना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में जो नौकर मेंटलिटी का, यानी कि जो ट्रेनिंग सैटरडे संडे को दी जा रही है, थर्सडे को भी हम लोग हाउ टू अप्रोच सिखाते हैं, फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इन ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है। जब आप ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले मेरे 13-14 वीडियो का एक मैसेज है, वो मैसेज है मेरा इंडक्शन प्रोग्राम, अगर आपने ज्वाइन कराया अभी कराया तो वो जरूर 13-14 वीडियो देख लेना, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू क्लोज, हाउ टू वीकली प्लानिंग कैसे करनी है, वीकली मीटिंग कैसे करनी है ना, सोशल मीडिया के ऊपर आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, ये सारी उस वीडियो उसके अंदर है। आपने अगर सोफी ले लिए तो पीयूसी पिकअप सेंटर लिया है तो उसको कैसे यूज करना है, वो सारी ट्रेनिंग मैंने उसके अंदर दे दी है, तो वो जरूर से जरूर आप ले लेना। उसके बाद आपको कुछ अपग्रेडेशन के साथ एक बुक मैं बता रहा हूँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी, बहुत शानदार है, और सवाल ही जवाब है, वो भी एक किताब आती है, दोनों किताबों को आपने पढ़ लेना है, बहुत शानदार किताब है दोस्त, बहुत शानदार किताब है, पढ़ना शुरू करिए। और बहुत सारे एप्स हैं आज की डेट में, उन एप्स के अंदर जाइए, नेट के ऊपर डाल दीजिए, कोई बुक डालेंगे ना YouTube पे, समरी पढ़ लो, बहुत सारे
बहुत सारे लोग हैं जो 20 मिनट की समरी बनाते हैं। मैं जानता हूं आपके पास एक महीना हो सकता है किताब पढ़ने के लिए ना हो, लेकिन बुक्स की समरी एक बार आप समझ लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बुक में यार बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, तो इसको मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। तो आप बेसिक जरूर अपग्रेड करिए अपने आप को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, बिजनेसमैन नहीं बनाते, फंस जाते हैं, उनका दिमाग जो है नौकर मेंटेलिटी का रह जाता है, वो 10 दिन में 1 महीने में रिजल्ट सोचने लग जाते हैं। बिजनेस जो है, बिजनेस समय मांगता है, टाइम मांगता है ना। आपको बिजनेसमैन की पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, ब्रेन डेवलप करने के लिए समय लग सकता है, जिंदगी चलती रहेगी। बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं, यार मैं तो 1 महीना से सीख ही रहा हूँ, मुझे तो बोलना नहीं आ रहा। अरे भाई भाई, अगर आप हार मान के छोड़ देगा तब भी तो तेरी जिंदगी जाएगी, तब भी तो उम्र बढ़ती चली जाएगी। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सेल पर पड़त निशान। बार बार कोशिश करने से मनुष्य की जड़मती सुजान हो जाती है, आपकी भी सुजान हो जाएगी। माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आया, लेकिन कैसे होगी जब आप एजुकेशन, अरे जब पैदा हुए थे सब कुछ सीख के हुए थे क्या? पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, अरे 6 महीना लग जाएगा, साल भर लग जाएगा, मैं कह रहा हूँ 2 साल लग जाएगा। अगर नहीं करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं सीख पाओगे, 2 साल के बाद कामयाब हो जाओगे, 3 साल के बाद कामयाब हो जाओगे। लगा हुआ आदमी तो सक्सेसफुल हो सकता है, जो लगेगा नहीं, छोड़ के बैठ जाएगा, उसका तो जिंदगी में कुछ नहीं होगा। नोकिया की तरह पिछड़ जाओगे, पीछे रह जाओगे, कभी कुछ जिंदगी में बड़ा नहीं कर पाओगे। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाने होते हैं, लेकिन लोग नहीं लगा रहे हैं। उनको कहा जाता है कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पोस्टर मेकर डाउनलोड कर लीजिए, टेक्स्टाग्राम डाउनलोड कर लीजिए। ना, नहीं करना, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, समझ में नहीं आता उनको, राइट। ओपन अप करके एक आती है, ऐप आती है, उसके अंदर ऑलरेडी बने बनाए पैम्पलेट होते हैं, फोटो लगाना होता है, अपना नाम लिखना होता है, आपका ऑटोमेटिकली पैम्पलेट डेली बन के आते हैं, उन्हें शेयर करो लोगों को, उनको लोगों को शेयर करो। तो अपग्रेड करो बॉस अपने आप को, अगर कामयाब होना है ना तो अपग्रेड करो अपने आप को। अगली गलती क्या करते हैं, अगली गलती होती है कि जिसको प्लान दिया है ना, वो जो है हर आदमी मेरे साथ या तो कंज्यूमर बनना चाहिए या हर आदमी मेरे साथ ज्वाइन होना चाहिए पार्टनर के रूप में। बॉस भगवान, एक भगवान से भी हर आदमी संतुष्ट नहीं होता, कितनी भी अच्छी चीज हो। आइसक्रीम सबको अच्छी लगनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं लगती है। गोलगप्पे सबको अच्छे लगने चाहिए, सबको नहीं लगते। मिठाइयां सबको अच्छी लगनी चाहिए, नहीं लगती। जो हमें पसंद है जरूरी नहीं है वो सामने वाले को पसंद हो, उसकी मेंटलिटी खराब हो सकती है। तो आप सोचते हो कि आप मुझे हर बार हर आदमी को ज्वाइन कराना है, एग्रेशन में आ जाओगे, पागल हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा। करोड़ों रुपए लगा करके दुकानदार बिजनेसमैन, जब कंज्यूमर दुकान में आता है, उसके लिए पंखा एसी चला के बैठा हुआ है, दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो भी फिर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि हर आदमी मेरे से ले जाए। आप जाते हो, अरे तुम्हारे तो कपड़े बेकार है सर, कोई बात नहीं अगली बार आना। देखो दोस्त, ये बात तो तय है कि अगर आपने कभी किसी को प्लान दिया है तो अगर उसने मना कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी ज्वाइन नहीं करेगा, वो आगे कर सकता है, समझने की कोशिश करना। तो लेकिन अभी करे, एवरी टाइम जब भी प्लान दिया है तो वो जो है ज्वाइन ही करे। ये आपके साथ गलती कभी नहीं होनी चाहिए। आप उसके साथ झगड़ा कर बैठते हो, ईगो में आ जाते हो, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। ना दोस्त, हर आदमी के हर काम नहीं कर सकता, ना हर आदमी की चाहत भी नहीं हो सकती। म्यूजिक कितनी अच्छी चीज है, आपने क्यों नहीं सीखा? पेंटिंग कितनी अच्छी चीज है, आपने क्यों नहीं सीखा? इंजीनियरिंग कितने बड़े पैसा देती है, आपने क्यों नहीं करी? सीए आप क्यों नहीं बने? डॉक्टर आप क्यों नहीं बने? वकील आप क्यों नहीं बने? सबकी अपनी कैपेसिटी होती है, सबकी अपनी योग्यता होती है, और सबका अपना इंटरेस्ट एरिया होता है ना। कोई साधु ही बन के बैठा है, बताइए, उसे कुछ करना नहीं है, तो उसकी समस्या है कि वो करेगा कि नहीं करेगा। आपको ये ध्यान रखना है, ये संसार का नियम है। अच्छा चलो, इस नियम को मैं संसार के 3 नियमों से जोड़ के दिखाता हूं। पहला नियम, आप अच्छे आदमी हो बुरे आदमी हो, गुरुत्वाकर्षण सबके ऊपर काम करता है। आप ऊपर से गिरोगे, जितने भी लोग ऊपर से कूदेंगे नीचे ही गिरेंगे, राइट। दूसरा नियम है औसत का नियम। औसत का नियम क्या कहता है? औसत का नियम कहता है कि सारे ऊपर से गिरेंगे, क्या सारे मर जाएंगे? क्या सब समर जाएंगे? क्या कोई भी नहीं मरेगा? जी हाँ, आपका भी उत्तर यही है कि सारे नहीं मरेंगे। और दूसरी बात आपको ये समझना होगा, ये बाबा लोग जितने भी है ना, ये भी इस औसत के नियम। हर संसार में एक भी काम पैसा जो है बिना सेल्स किए नहीं होते, और सेल्स का नियम है बॉस लॉ ऑफ एवरेज। हर आदमी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, हर आदमी आपको रिजल्ट नहीं देगा। रस्ते में खड़े हो जाओ, जा बेटा तेरा काम हो जाएगा, जा बेटा तेरा काम हो जाएगा, सबका हो जाएगा क्या?
नहीं, लेकिन किसी का भी नहीं होगा क्या? और जिसका होगा वो बाबा बाबा करेगा। तो आपने नंबर ऑफ आशीर्वाद देने, नंबर ऑफ प्लान देने, नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन देनी है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग करनी है, 110% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वो बंदा जो आपके साथ ज्वाइन होगा वो जरूर से जरूर आपके साथ आएगा। तो ये गलती कभी मत करना कि हर आदमी मेरे साथ ज्वाइन हो जाए, और जो अगली गलती अभी हो जाए, ठीक है ना सर? ठीक है, मैंने मान लिया जो लोग जो हैं वो जो ज्वाइन नहीं हो रहे तो वो मना कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने हाँ भरा वो अभी अभी की अभी समान ले, अभी के अभी। ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि आप समझो उसका रिक्रिएटिव माइंड, हम हैबिट लगे नोकर मेंटेलिटी की, नई चीज को समझने में उसको चैलेंज हो सकता है, उसने पुराने जमाने में कहीं चोट खाई हो सकती है किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, उसके पास पैसा नहीं हो सकता है, 70 प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी फैमिली में कोई बीमार हो सकता है, वो करना चाहता है लेकिन उसकी अभी फिजिकल या मेंटल सिचुएशन या फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है वो नहीं कर पा रहा है। तो आपको ये समझना है उसकी बॉडी लैंग्वेज से, बिना कहे शब्दों से समझना है। अभी समझो कुछ को प्लान दिया आपने, वो ज्वाइन कर गया, सर मैंने एक ही दिन में ज्वाइन, ना किसी ने उसके दिमाग में बीज बोया था, उसका पौधा बना, फल टूटने के समय आपने प्लान दे दिया, वो आपकी झोली में गिरा। तो कभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में बीज बुए हुए हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप उनको सजो सकते हो। कभी भी जिंदगी में झगड़ा मत करना कि अभी पैसे ला और अभी के अभी करना है, पार्टनर बनाने के लिए। कंज्यूमर किसी को बना सकते हो, कभी भी बना सकते हो, और आपको अगर लगता है कि वो पैसा है उसके पास में और झूठ बोल रहा है या कोई बात है तो उसे आप कंज्यूमर बना सकते हो, पर पार्टनर उसकी इच्छा और आपकी इंटरव्यू के बाद उसको आपने बनाना है। तो ये बिजनेस मेरे दोस्त एक गेम है, कभी सामने वाला जीतेगा कभी आप जीतोगे, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, गेम की भावना से जिंदगी जीनी चाहिए, और गेम की भावना से ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है। जो इसे समझ लेते हैं वो जिंदगी में खुश रहते हैं, हैप्पीनेस में रहते हैं और हमेशा काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लॉ ऑफ एवरेज को इस्तेमाल करोगे। अगर आपने ये सारी चीज समझ ली, लॉ ऑफ एवरेज समझ लिया, तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, और आप तीसरा संसार का नियम, हर बड़े से बड़ा सक्सेसफुल आदमी कहता है अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आप कर जाओगे, अगर आप सोचते हो आपसे नहीं होगा तो आपसे नहीं होगा। यानी कि जब आप नेगेटिव होते हो तो नेगेटिव लोगों और नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग में लाते हो, आपकी एनर्जी डाउन जाती है, आप काम अच्छे 100% नहीं कर पाते हो। जब आप ये जान लेते हो कि यार मैंने तो प्रेजेंटेशन देनी है, करना ना करना सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, और 100% मुझे रिजल्ट मिलेगा, मेरे साथ आने वाले 100% मुझे मिलेंगे, तो आप हैप्पीनेस में आ जाते हो। आप कहते हो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भव मातुर शंभु करि कर्मणि। भगवत गीता में कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल की इच्छा ऊपर वाले के हाथ में है, इसलिए तेरे हाथ में कर्म है और तू कर्म करता चला जा। जितने ज्यादा कर्म करोगे उतने ज्यादा रिजल्ट आएंगे। अगली बात क्या है? नहीं नहीं सर, देखो दोस्त है मेरा, मेरा दोस्त है सर, उसको मैंने प्लान दिया था और उसने मेरे साथ ज्वाइन करने से मना कर दिया, अब मेरी तो ईगो हर्ट हो गई। अरे भाई अभी तो समझाया है, ईगो को छोड़ दो, अहंकार, अहंकार मनुष्य को बर्बाद करता है। ईगो में आ जाओ, ईगो का मतलब है हर व्यक्ति का, हर आदमी का सम्मान, उसकी विचारधारा का सम्मान, उसके साथ में हर पांच उंगली बराबर नहीं होती हैं, उसके साथ में प्यार मोहब्बत रखना, हर को उसका स्थान देना। ईगो का मतलब होता है मैं ही बड़ा हूं, जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, और अपने आप को सर्वोपरि मानना। ईगो को छोड़ दो, ईगो में ट्रांसफर कर लो अपने आप को। आज के बाद हर बिजनेसमैन जो करता है, जो मैं करता हूं, आप कर लो। इस संसार में आप भी बिल्कुल सही सोचते हो। अगर आप किसी से पूछो क्या कोई आदमी गलत सोचता है दुनिया में, अगर कोई आदमी गलत नहीं सोचता तो सामने वाले को आप बोलो कि तू गलत सोच रहा है, तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, और ईगो हर्ट हो जाएगी तो वो आपको हर्ट करने की सोचेगा। आप सही भी बोल रहे हो, उसको हर्ट कर दिया तो वो सामने वाला आपको जो है हर्ट करने की कोशिश करेगा। इसलिए आज के बाद ईगो का मतलब होता है ये कहना, नहीं तेरी बात गलत है, नहीं 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 का राग लगाने वाला ईगोइस्ट होता है, और कहता है हाँ भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो। जब आप सामने वाले को ये कहते हो हाँ भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, उसके दिमाग के पर्दे खुल जाते हैं, खिड़की खुल जाती है कि चलो इसने मेरी बात तो मानी, अब तू बता जब मैं सही कह रहा हूं तो तू अब इस बात को ऐसे कैसे कह रहा है। अब वो सुनने के मूड में आ जाएगा, उसका दिमाग खुल जाएगा कि यार जब ये मेरी बात को सही बता रहा है
उसके बावजूद भी फिर ये ऐसे क्यों बात कर रहा है, तो वो जानने की भी कोशिश करेगा क्योंकि आपने उसको जानने की कोशिश करी है। तो आज के बाद ईगो में आ जाना, और ईगो का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। यहाँ पे देखो माइकल जॉर्डन ने भी कहा भाई मैं ठीक है बार बार फेल हो सकता हूँ, बल्ब बनाने वाला भी 1000 बार फेल हुआ था, वहां पे आपका हवाई जहाज बनाने वाला कितनी बार फेल हुआ था, और हमने कितने प्लान दिए, मैंने कितने सालों तक कोशिश करी, मैं भी फेल हुआ था। तो फेलियर हर सक्सेसफुल आदमी, एक बात समझ लो, फिर बोल रहा हूं, एक बात समझ लो, इस संसार में फेलियर का रास्ते से गुजर के ही आप सक्सेस के रास्ते पे जा सकते हो। कोई आदमी सोचता है मैं उड़ के चला जाऊं, फेलियर का मुंह ना देखूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे आप स्टोरी देखोगे तो वो उन्हीं गलियों से गुजर के आया जिन गलियों से मैं और आप गुजरे हैं, या आप गुजर रहे हो, मैं गुजर के बाहर निकल के आया। तो उस गली में घबराने का नहीं, डरने का नहीं, अंधेरे से कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसी गली से हम निकल के आ चुके हैं और आपको बता रहे हैं इन गलियों में सिर्फ बेफजूल के डरावने हैं। इन गलियों में खुश होकर के जो निकल जाता है उसे किसी भी प्रकार की कोई व्याधि कोई विपदा सताती नहीं है। अगली बात क्या है, टेकिंग रिजेक्शन पर्सनली, फिर वही वाली बात है, ईगो नहीं छोड़ी आदमी ने, तो जैसे ईगो नहीं छोड़ी तो वो नो या यस को वो अपने ऊपर ले लेता है। समझना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ये बीवी के साथ भी हो जाता है, हस्बैंड के साथ भी हो जाता है, बच्चों के साथ भी हो जाता है, पड़ोसी के साथ भी हो जाता है, ये पर्सनल लाइफ में भी है। सामने वाले के एक्शन को हम अपने ऊपर ले लेते हैं, मेरी उसने बात नहीं मानी, उसने मुझे मना कर दिया, है ना, देखा सर मेरे कहने से उसने हाँ कर दी, ये दोनों ही बातें गलत हैं। अगर उसने हाँ करी है तो ये उसका डिसीजन था, आपकी जगह कोई और होता तो भी उसकी हाँ ही होती, समझने की कोशिश करना। और अगर उसने मना किया है तो वो आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मना करना, क्योंकि वो उसकी सिचुएशन है, वो उसके नसीब है, वो उसकी किस्मत में आज ये बिजनेस नहीं है, ये उसकी कर्मों का फल है, आपके कर्मों का फल नहीं है। आपके कर्मों का फल तो आपको मिल चुका है, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गए हो, बिना पैसा लगाए पार्ट टाइम काम करके अनलिमिटेड बिजनेस पैसा कमाने के मौके में आ गए हो। अब यहाँ पे जो नहीं आ पा रहे उनकी किस्मत में नहीं है, आपका कोई नहीं है, और जो आ गया आप भगवान नहीं हो, आपने उसकी किस्मत नहीं बनाई, उसके कर्मों उसका जो बीज बोया था उसने उसके सवालों का हल हो गया। तो जब बहुत ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो ना को जब हम कहते हैं ना अरे यार तुमने क्या शानदार काम किया, यार क्या बढ़िया प्रेजेंटेशन, अरे नहीं नहीं सर यार नहीं सर, आप ऐसा करोगे तो इसका मतलब आप जो है ठुकरा रहे हो इस बात को। तो जब आपको कोई मना करेगा तो आपकी ईगो हर्ट होगी। तो आपको जो है कोई मना करे तो भी आपको नहीं मना किया, आपको कोई यहां करे तो आपको नहीं किया, रीजन यहां कुछ लेना नहीं है। अगर आपने ऐसा ले लिया, अगर आपने यस या नो को अपने ऊपर ले लिया तो आप अपने आप को सातवीं गलती में ले आओगे, हीन भावना से भर जाओगे, या फिर पांचवी गलती कर बैठोगे, अहंकार में भर जाओगे, देखा सर मेरी क्या पावर है, या सर मेरे से नहीं होगा। पांचवी और सातवीं ये गलतियां इंसान कर बैठता है, सर इतने प्लान दिए मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, क्या मतलब है, हीन भावना से भर जा रहे हो, सर मुझे नहीं पता मेरे साथ पता नहीं कोई ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, हीन। अबे अपने आप को हीन समझने की इंसान की औलाद हो, इस संसार में जो कुछ भी है इंसान ने किया है, हो ना इंसान की औलाद, तो फिर अपने आप को इंसान होने के बावजूद हीन कैसे समझ सकते हो, माँ के पेट से कोई सीख के आया था, है ना यार, ये एचपी वशिष्ठ तो यार बढ़िया बोलता है, अगर हीन भावना यार मैं तो गंजा हूं तुम्हारे तो बाल है मैं भरना नहीं, मैं खुद से प्यार करूं जैसा भी भगवान ने मुझे बताया बनाया, सुबह सुबह उठते ही कहता हूं भगवान आपका धन्यवाद, अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, अच्छे सगे संबंधी, अच्छे मित्र, अच्छा कारोबार, धन धान्य संपूर्ण घर, अच्छी पत्नी, आज्ञाकारी संतान दी, स्वस्थ शरीर दे दिया, इस कलयुग में दुनिया को बिजनेस नहीं मिलते हैं, फ्री फंड का बिजनेस दे दिया, लोगों के दोस्त नहीं होते हैं, हजारों के दोस्त हमारे बना दिए, यार भगवान ने इतना कुछ दिया तो अपने ऊपर प्राउड महसूस होता है, स्वाभिमान जागता, अभिमान और स्वाभिमान में फर्क है। जब आप धन्यवादी होते हो भगवान के तो आपके अंदर स्वाभिमान जागता है, लोगों के प्रति प्रेम जागता है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको ये सब दिया है। और जब आप ये कहते हो ये मैंने करके दिखाया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपके अंदर अहंकार यानी पांचवा ईगो जन्म ले लेता है। तो आपको ईगो से भी बचना है और आपको हीन भावना से भी बचना है, इन दोनों के बीच में आपको
बैलेंस बना करके चलना है, और ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, आपके पास सब कुछ है। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। जब हम कंपेयर करते हैं, यार सामने वाले के तो बाल है, मेरे तो बाल नहीं है, ये कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन है। अगर आप अपने आप को खुद से प्यार करते हो, वास्तव में वैसे मैं अच्छा लगता हूँ सब लोग कहते हैं आप प्यार करते हो, तो ये मैं खुद अपने आप को अगर प्यार करता हूँ तो सामने वाला आपको प्यार करता है, इसलिए मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। अपनी मुस्कान पहन के चलो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। अंडर एस्टिमेट, हीन भावना से, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं गंजा हूं, मैं चश्मे पहनता हूं, मैं छोटा हूं, मैं ऊंचा हूं या बड़ा हूं, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। भगवान की बनाई हुई सबसे शानदार प्रतिमा हो आप। मेरे पास गाड़ी नहीं है, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास ये नहीं है, और भूल जा, सब कुछ है तुम्हारे पास। अच्छे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र, कारोबार, धन धान्य, संपूर्ण घर, पति पत्नी, आज्ञाकारी संतान, स्वस्थ शरीर। लव माई सेल्फ, डू यू लव योर सेल्फ? जरा चैट बॉक्स में लिख दो, रेज हैंड कर दो अपने आप पे। आज से अपने आप से प्यार करना शुरू करो, खुद से प्यार करना शुरू करोगे तो दुनिया से प्यार हो जाएगा। अपने अंदर हीन भावना पैदा करोगे, दूसरों से डरने लग जाओगे, काम नहीं करोगे। आज के बाद खबरदार, आपके चेहरे से स्माइल गई तो। मास्क पहना है कि नहीं पहना, पर मुस्कान पहन के चलनी है, इस बात का ध्यान रख लेना। अगली गलती, कंफर्टेबल जोन, ये बहुत बड़ी समस्या है। आज ट्रेनिंग ले ली, 17 काम करने के भी सीख लिए, 10 गलतियां भी सीख ली, पर गलती क्या है? कंफर्टेबल जोन, परिवर्तन। पहले नौकरी करते थे, अब एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पहले घर पड़े रहते थे, अब काम करना पड़ रहा है, परिवर्तन। पहले फिजिकल मीटिंग्स करते थे, अब जूम पे आना पड़ रहा है, परिवर्तन। तो परिवर्तन अच्छे के लिए हो, बुरे के लिए हो, वो कष्टकारी होता है, क्योंकि हम कंफर्टेबल जोन में होते हैं। इस दुनिया के अंदर जो भी सक्सेसफुल काम हुए हैं वो कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के हुए हैं। तो अगर आप कामयाब करना होना चाहते हो, बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो मुझसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं, मुझसे ज्यादा समझदार है, उनसे पर्सनल बात करो तो वो ज्ञान बड़े बड़े दे देंगे, लेकिन कंफर्टेबल जोन नहीं छोड़ते। वो जूम पे आना पसंद नहीं करते, वो यूट्यूब पे जाना पसंद नहीं करते, वो फेसबुक पे जाना पसंद नहीं करते, तो इसीलिए वो कामयाब नहीं है। क्योंकि ऐसे सोने का फायदा क्या जो कान को काटे। आपने तलवार बना के रख ली, उसका इस्तेमाल नहीं है। पेन बना के कॉपी खरीद लिया, उसमें कुछ लिखा नहीं, फायदा क्या? कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो। आप समझ लो कामयाब होना चाहते हो तो याद रखो, कंफर्टेबल जोन से दो ही चीजें निकाल सकती हैं, नोट कर लो, दो ही चीजें कंफर्टेबल जोन से निकाल सकती हैं। एक तो है आपके अंदर विजन हो, आपको लाइफ में कुछ करना है, आपको नाम है, जो शोहरत कमानी है, आपको कुछ करके जाना है। दूसरा, FKS थ्योरी, मेरी बनाई हुई है, आपकी भी है, फंसी का सौदा, जान फंस जाती है, दरवाजा बंद है चारों तरफ से, अंदर बच्चे बंद है, आग लग गई है घर में, भैया दीवार टूट जाएगी, दरवाजा टूट जाएगा, क्यों? अब फंस गए, अब तो करना पड़ेगा। तो ढूंढो, या तो ऐसा पैशन ढूंढो, जुनून ढूंढो, जो आपको बॉस जिंदगी में कुछ करने के लिए प्रेरित कर सके, और नहीं है तो याद करो कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जी रहे हैं। चप्पल, जूता, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, शादी का गद्दा तक नहीं बदला गया, बेड का, गाड़ी तक नहीं बदली गई। अरे नहीं सर, शादी की चीज नहीं बदलती, तेरे पास पैसा नहीं है, बदल तो 2 मिनट में जाती। तो याद रख लेना, कंफर्टेबल जोन छोड़ने के 2 तरीके, कौन सा अपनाते हो? पर अपना लो और अपने आप को याद दिलाते रहो। चैलेंज योर सेल्फ, अपने आप को चैलेंज करो, आगे बढ़ जाओगे। और एक ही बात कर लो, सीख लिया, कंफर्टेबल जोन से भी बाहर निकल गए, पर एक बार नहीं, बार बार निकलना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। जो सीख लिया उसको अब अपनी टीम को सिखाओ, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, आप अपनी कमजोरियां खोजो और उस कमजोरी पे काम करो। बोलने में कतराते हो, ऑडियो मोबाइल में बना करके और उसको सुनो कहाँ कमी रह गई। और अगर और आपको वीडियो बनाने में शर्म आती है, अपने सामने वीडियो या शीशे के सामने में खड़े हो जाता था जब मुझे शर्म आती थी शुरू में, सबको आती है, डर सबको लगता है, शर्म सबको आती है शुरुआत में, तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ। अब पहले तो मोबाइल नहीं होते थे, कैमरा वैमरा नहीं होता, तो सामने बैठो और फ्रंट कैमरा खड़ा करो और रिकॉर्डिंग करो, अपने आप सीख जाओगे। तो अपना एजेंडा बना करके उसके चारों तरफ डेली प्रैक्टिस करो, प्लान दो, प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों को बताना शुरू करो। जब आप बताते हो, शेयर करते हो, प्रैक्टिस करते हो, आप परफेक्ट होते जाते हो। 10वीं गलती, बहुत बड़ी गलती है, 99% लोग केवल इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने उसमें भी बताया था 15वां पॉइंट और इसमें भी बता रहा हूं, ये गलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। ये आपका बिजनेस है,
विद यू विदाउट यू अपन तो कामयाब हो ही जाएंगे। अगर आपने अपनी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, हमारे ऊपर छोड़ दी, अपलाइन के ऊपर छोड़ दी, तो अपलाइन के पास तो आप जैसे बतेरे हैं, ज्यादा बोझ बनोगे तो छोड़ के चला जाएगा, किसी और को खोज लेगा, अपना समय किसी और के साथ लगाएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बॉस, ये आपका बिजनेस है। कल भी बताया था अपलाइन पैसा कमाता है, डाउनलाइन नहीं। और अपलाइन वो होता है जो अपने बिजनेस, अपनी आईडी को अपना बिजनेस मानता है, वो कहता है मेरी आईडी है, इससे मेरे आगे बिजनेस मेरी जिम्मेदारी है, मैं ओके लाइफ केयर से प्रोडक्ट लूंगा, ट्रेनिंग लूंगा और आपका बिजनेस प्लान लूंगा, वो मुझे पैसा देगी, मुझे के जगह मेरे को सारा सपोर्ट करेगी और अपलाइन से सपोर्ट लूंगा शुरुआत में सीखने की, सर आपने कैसे किया हमें सिखाइए, समझ रहे हो। तो अपलाइन का काम ये है कि वो आपको सिखा सके बॉस इस अंधेरी गलियों से कैसे निकल के आए हैं, है ना। 24 घंटे अगर आपकी फिंगर पकड़ के चलेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, बार 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 ऐसे नहीं होता है। तो आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, कंपनी प्रोडक्ट प्लान की जानकारी लेनी होगी, 17 आप काम करने के 10 गलतियां ये भी आपको सीख करके अपने टीम को सिखाना होगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी टीम तक मैसेज पहुंचे, सर आपने तो मैसेज भेजा ही नहीं, सर आपने लेट मैसेज भेजा, तो तुम्हें लग रहा था कि लेट हो रहा है तो तुमने मैसेज क्यों नहीं मंगवाया ट्रेनिंग का, तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना, तुम्हारा बिजनेस है बॉस, है ना। कल अगर आप नहीं आए थे तो भी मैंने तो ट्रेनिंग भी दी थी और लोग भी आए थे, आज जो लोग नहीं आए उसके बावजूद भी लोग आए हैं, तो अपन तो भैया काम कर ही रहे हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका बिजनेस है, आज से अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बना लो, आज से बोलो मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं, मैं अपने बिजनेस का खुद रिस्पॉन्सिबल हूं। जरा चैट बॉक्स में लिख दो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय बिजनेस, आई एम ए अपलाइन, मैं आज से अपना अपलाइन खुद हूं, ये लिखो चैट बॉक्स में फटाफट। अगर समझ में आती है बात तो फटाफट, मैं जरा चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं, देखता हूं किस किसने लिखा है। हाँ, नाइन्थ पॉइंट, प्रैक्टिस ना करना है दोस्त, बार बार प्रैक्टिस करना है, जिसने आई एम ए अपलाइन, आई एम माई अपलाइन, वेरी गुड, लिखिए मैं आज से रिस्पॉन्सिबल हूं मेरे बिजनेस का, आई एम माई ओन अपलाइन, मैं अपनी अपलाइन हूं, आई एम अपलाइन अपलाइन। जो अपलाइन बनेगा पैसा कमाएगा, सैटरडे संडे रात को 9 बजे ट्रेनिंग होती है, मैसेज नहीं आया तो यही वाला लिंक जिससे आज क्लिक करके आए हो यही लिंक रहता हमेशा के लिए, यही सब कुछ सेटअप है, हमने नहीं भेजा तो फटाफट कॉपी करो और उसको भेज दो आगे, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल, थैंक यू। और ये मैंने आपको पॉइंट दिखा दिए, स्क्रीनशॉट ले लो, इनको याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ओके बना के बैठता हूँ, स्क्रीनशॉट में आ जाऊंगा। वाह, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। और दूसरा, प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल पे जाओ, फटाफट उसे जो है सब्सक्राइब करो, वीडियोस देखो, मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो, सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए शुभकामना देता हूँ, और आज होली का दिन है, कल क्षमा चाहूंगा, कल भी जो है लोग फंक्शन में रहेंगे और अपनी जिम्मेदारी को आप आसानी से निभाएं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ अच्छे